राजस्थान में 25 सीट जीतने के मिशन पर भाजपा ने काम करना शुरू कर दिया है। बैठकें दिल्ली में हो रही हैं और दिल्ली तय करेगी कि राजस्थान में आम चुनाव को लेकर दशा और दिशा कैसी रहेगी। आज भी बेहद अहम बैठक प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर हुई, जिसमें तमाम सांसद और खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद रहे। आप देख रहे हैं राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ, मैं हूं अंकित तिवारी। नई दिल्ली में राजस्थान भाजपा को लेकर आज अहम बैठक रही। 3 फिरोजशाह मार्ग पर प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन हुआ। तमाम राजस्थान के सांसद मौजूद रहे। बैठक के बाद सांसद चर्चा करने से बचते दिखाई दिए। मीडिया के सामने कोई खास बयान भी नहीं आया, तो ये तय माना जा रहा था कि बैठक में कुछ तो ऐसे संकेत दिए गए हैं जो तय करेंगे कि राजस्थान का चुनाव 25 सीटों पर भाजपा लड़े और प्रमुखता से जीते। और जीत के इसी बिंदुओं को लेकर सांसदों के साथ आज लंच टॉक हुई और इसमें राज्यसभा सांसदों को भी बुलाया गया था। क्षेत्रवार जिन जिन सीटों पर काम होना है, जिन सांसदों ने विधायकी का चुनाव लड़कर सीट खाली की है, इसके अलावा करीब 10 ऐसे संसदीय क्षेत्र है जहां पर प्रत्याशी का बदला जाना है, उन पर संभवतः इस बैठक में मंथन हुआ है। आधिकारिक बयान फिलहाल नहीं आया है, लेकिन इतना तय है राजस्थान भाजपा में संगठन को लेकर भी अब बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 17 और 18 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली में है, जहां सांसदों और विधायकों को भी बुलाया गया है। देश भर के भाजपा के नेता वहां जुटेंगे और मिशन 2024 यानी 2024 का आम चुनाव जीतने की रणनीति पर एक मंत्र साथ लेकर जाएंगे ताकि जीत उनके खाते में हो। इसी को लेकर एक अहम बैठक केंद्रीय कार्यकारिणी की ओर से बुलाई जानी प्रस्तावित भी है। तमाम गतिविधियों को लेकर दिल्ली और राजस्थान में राजनीतिक हलकों में आज चर्चा रही। एक महत्वपूर्ण कदम यह भी रहा कि इस बीच राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा भी अब खुलने लगा है। ओमकार सिंह लखावत पहले जिस पद को संभाल चुके हैं, एक बार फिर से उन्हें सौंपा गया है कि राजस्थान की धरोहर को सुरक्षित रखने का काम वो करें। आम चुनाव 2024 से पहले कई ऐसी राजनीतिक नियुक्तियों की लिस्ट सामने आ सकती है, ताकि लगे राजस्थान में भाजपा की सरकार आने के बाद बदलाव अहम हुए हैं, क्योंकि अभी तक आम जनता ये महसूस नहीं कर पाई है कि सरकार में कुछ मेजर चेंजेज हुए हैं। इसकी बड़ी वजह अधिकारियों में अधिकतर का पुरानी पोस्टों पर जमे रहना, साथ ही पुराने मंत्रियों का अब तक बंगले खाली नहीं करना भी इस भ्रम को बढ़ा रहा था। हालांकि समय चलायमान है, बदल रहा है, बड़े गतिविधियों के साथ अब चेंज होगा। लेखानुदान 8 फरवरी को पेश होगा, जिसे राजस्थान का अंतरिम बजट कहा जा सकता है। दिया कुमारी इसे पेश करेंगी और उसके बाद संगठन में भी कुछ बड़े बदलाव दिख सकते हैं। विधानसभा सत्र तक एक डोर थामी हुई थी, अब बदलाव की बयार दिख सकती है। लेकिन दिल्ली में तमाम सांसदों की मौजूदगी में जो चर्चाएं हुई हैं, उनमें से कई सांसद ऐसे थे जिनकी टिकट इस चुनाव में कटना तय माना जा रहा है, तो क्या उन्हें संकेत दे दिए गए हैं कि इस चुनाव में उनकी भूमिका बतौर प्रत्याशी नहीं बतौर सहयोगी रहेगी, और जिनकी टिकट काटी जानी है उनकी जगह जो नए दावेदार आ रहे हैं वो कौन कौन होंगे। राजस्थान के करीब 15 ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जहां नए उम्मीदवार अब अपनी संभावनाओं को देख रहे हैं, अपनी कोशिशों को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि भाजपा परिवर्तन के लिहाज से अगर चेहरा देख रही हो तो उनको चुने। नेताओं के पोस्टर बयानबाजी सड़कों पर अब दिखने लगी है। राजस्थान भाजपा में संगठन के तौर पर जब अहम बदलाव सामने आएंगे तो टिकट मांगने वालों की और टिकट देने वालों की तस्वीरें भी लगभग लगभग साफ होंगी। दिल्ली में हुई इस बैठक में जो चर्चाएं हुई उन्हें गुप्त रखने के लिए कहा गया, संगठन के लिहाज से हुई। हालांकि कुछ हलकों में चर्चा ये भी रही कि ये लंच संभवतः एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे सांसद सीपी जोशी के लिए एक विदाई लंच के तौर पर भी देखा गया, लेकिन ये तमाम कयास
राजस्थान भाजपा में और उनके पद को लेकर लगातार उठते रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली में हुई इस बैठक में कई ऐसे मुद्दों पर मंथन हुआ है जो संसदीय क्षेत्रों के लिहाज से राजस्थान में भाजपा के मिशन 25 के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप देखते रहिए राजस्थान चौक। राजस्थान चौक के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को आप फॉलो कीजिए और अपने सुझाव दीजिएगा। नमस्कार।